अब मयूरेश के पास चला जाए और जाना जाए यहां से पोजिशनली उनको विलियम ओनील में क्या पसंद आ रहा है। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग। घर बार बार डांडे डांडे वीकेंड में कुछ हुआ नहीं हुआ? अरे बहुत खूब हुआ आशीष जी और काफी थके हैं बट आज भी है तो। देख के लग रहा था इसीलिए मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आपसे पूछ डाल। बिजी रहा मतलब वीकेंड? एब्सोल्युटली बिजी था। अच्छा आज का पिक कौन सा साहब? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहले तो नवमी और दशहरा की आप सबको और आवाज के सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मार्केट्स विद इंडिया में हमारा कॉल है, हमें लगता है सीमेंट सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जो सेकंड हाफ में जो ये क्वार्टर स्टार्ट होगा वहां से जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पिकअप होगी वहां से सीमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। रूरल अर्बन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो फोकस एरियाज है गवर्नमेंट के इसको मद्देनजर स्टार सीमेंट ये हमारी मार्केट्स विद इंडिया में मिड कैप सीमेंट में पिक रहेगी। दो तीन की रीजन, एक इनकी जो कैपेसिटी है 5.7 MTPA की और जो क्लिंकर कैपेसिटी है 2.8 MTPA की अलोंग विद थर्मल पावर 51 मेगावाट्स और जो इनकी वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम है 12 मेगावाट के आसपास, एक कंप्लीट इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं सीमेंट प्रोडक्शन में आई थिंक इनके पास है। दूसरा आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में इनका जो एक डोमिनेंट पोजिशनिंग है, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर सीमेंट के नॉर्थ ईस्ट में, 23 से 25% का मार्केट शेयर रखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और यहाँ पे जो ये केपेक्स कर रहे हैं दे आर एडिंग अप ऑलमोस्ट 4 MTPA ऑफ ग्राइंडिंग यूनिट गुवाहाटी में। जो एक AAC ब्लॉक लगता है सीमेंट के साथ वो बहुत जरूरी होता है प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंसीज के हिसाब से। और मेघालय भी एक 1.7 MTPA का ग्राइंडिंग यूनिट डाल रहे हैं विद WHRS विच इज द वेट हीट रिकवरी सिस्टम। ये सारी केपेक्स जो होगी वो इंटरनल अक्रूवल से होगी क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट पे डेट बिल्कुल नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। और जो वॉल्यूम ग्रोथ हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कैन बी इन डबल डिजिट्स विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इंपेटस। हैविंग सेड दैट जो EBITDA मार्जिन और ROE में एक्सपेंशन देखने मिल सकता है अगले 2 वर्षों में ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो हमें लगता है स्टार सीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक 18 से 20% की हम अपसाइड देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 163। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च नोट टू क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल। स्टार सीमेंट ये है भाई वो स्टॉक जिसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है इन लेवल्स के आसपास, बढ़िया तेजी शायद नजर आएगी आगे। हाँ मार्जिन डिसअपॉइंटिंग क्योंकि 35 basis points Q-on-Q गिरे, आईसीआईसी केस में 25 basis पर, दोनों के मार्जिन एक डिसअपॉइंटमेंट। खैर मार्जिन गिरेंगे पता था भाई, इस समय हो क्या रहा है लायबिलिटीज रीप्राइस हो रही है हायर रेट्स पर और दूसरा जो यील्ड के बेनिफिट्स थे वो मॉडरेट हो रहे हैं, इसीलिए लार्जली सारे दिग्गज बैंक्स के NIMs कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पर मयूरेश नंबर अपनी जगह शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो नए MD CEO को हरी झंडी मिलना। अच्छा कंफ्यूज हूं मैं, इसको कैसे लेगा बाजार? एक तरफ तो भाई एक अनसर्टिनिटी खत्म हो रही है, मुझे पता है कि अब अगला ट्रांजिशन किसका है, RBI ने हामी भर दी। पर दूसरी तरफ दो इंटरनल कैंडिडेट्स जिनके चयन से क्या होता है वो करंट जिस तरह से कामकाज हो रहा है उसी कंटिन्यूटी की सर्टिनिटी होती। अभी जो उसमें से थर्ड लिंक था आउटसाइड कैंडिडेट उनको हामी मिली है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो ट्रांजिशन कितना स्मूथ होगा उस पर हल्का सा क्वेश्चन मार्क जरूर लग गया है। आपकी रीडिंग क्या और आपका कोटक पे व्यू क्या? बिल्कुल ऐसे आप एक व्यू हो सकता है इसको लेके, बट मुझे लगता है आई थिंक जो एक स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है बैंक को लेके आई थिंक ट्रांजिशन शुड बी क्वाइट स्मूथ, क्योंकि जैसे इंटरनल्स हैं व्हेन यू कम टू द सेकंड रंग मैनेजमेंट आई थिंक अच्छे खासे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लीड किए हैं साहब ने, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इट शुड नॉट बॉदर द स्ट्रीट टू मच। अगेन आई थिंक जहां तक नंबर्स का सवाल रहा है इवन फ्रॉम अ रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव नंबर्स ठीक ठाक ही रहे हैं और काफी आई थिंक जो एक NIMs में कॉम्प्रेशन देखा गया आई थिंक दैट्स एन इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना। अब जैसे राइटफुली कह रहे हैं जो लायबिलिटीज रीप्राइस हो रही है, ICICI बैंक भी यही कह रहा है कि मॉडरेशन शायद और देखने मिले, लाइकवाइज फॉर अदर बैंक्स इज वेल। बट कहीं ना कहीं आई थिंक आफ्टर दिस मॉडरेशन इज डन इज वेल आई थिंक जो एसेट बेस पे बैठे हैं जो एक कैपिटल एडिक्वेसी है सारी बैंक्स की ये शायद प्रोपेल करे अच्छी खासी एडवांसेस को। हैविंग सेड दैट कोटक कंपेयर टू द अदर बैंक्स हैज बीन अ स्टार अंडर परफॉर्मर, थोड़ा एक रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है। तो विद इन लार्जर प्राइवेट बैंक हमें लगता है कि ICICI बैंक के नंबर्स ज्यादा बेहतर थे और एक्सिस के नंबर्स देखने पड़ेंगे, बट कोटक कैन लार्जली बी अ रेंज बाउंड ट्रेड। पेटीएम ने एक लो बनाया था उसके बाद से एक कॉन्फिडेंस बार बार एक्सक्यूड किया उन्होंने
और उसके बाद जो VSS ने, जो विजय शेखर शर्मा ने मुझे एक मूव किया था तो स्टेक का बाय का उसका, आई थिंक उसके बाद से और कॉन्फिडेंस बढ़ा था। और ये देखिए इस साल ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और ऑब्वियसली खैर एक व्यू ये इसमें हमेशा रहा है कि पेटीएम ने एक बिजनेस बहुत अच्छा क्रिएट किया था, एक एटलीस्ट ब्रांड ने बहुत अच्छा क्रिएट किया था। अब वो आगे जाके ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा नेट प्रॉफिटेबिलिटी में, तो एटलीस्ट पिछले 3-4 क्वार्टर का ये व्यू, मतलब ये तो बन रहा है कि एबिडा में एटलीस्ट वो डिलीवर कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस पर डिलीवर कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव माना जाएगा। मयूरेश गुड मॉर्निंग, पहले तो मेरी तरफ से पेटीएम पर आपका क्या व्यू है इस समय? मॉर्निंग अनुज जी, नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक दे हैव एक्चुअली वॉक द टॉक। यानी जो 4 तिमाहियों पहले इन्होंने कहा था कि सितंबर तिमाही तक काफी बढ़िया इनकी बैलेंस शीट में ग्रोथ देखा जाएगा, एंड प्रोबेबली दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। जो सब्सक्राइबर नंबर एड हुए हैं, जो ग्रोस बिलिंग वैल्यू कंपनी ने रिपोर्ट की है, जो आज एडवांसेस ग्रोथ है ये कंपनी के थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म, जो ये मर्चेंट्स को एड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आई थिंक जो एक एबिटा में सुधार देखने मिला है, आई थिंक दे आर ऑल पॉजिटिव साइंस विच आर रिफ्लेक्टिंग इन हाउ द स्टॉक प्राइस इज परफॉर्म। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक प्राइस डबल हो चुकी है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, यानी लास्ट 4 तिमाहियों का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट री रेटिंग स्टॉक की होगी कि इसको कैसे कंपाउंड कर सकते हैं, एंड वॉट इज द स्ट्रेटेजिक टारगेट दैट दे हैव प्रोबेबली केप्ट। तो मुझे लगता है आई थिंक एक पॉजिटिव मोमेंटम ये स्टॉक में बिल्कुल बरकरार रहेगा। बट विद इन द फिनटेक्स मुझे लगता है आई थिंक पेटीएम और जोमैटो आई थिंक बड़े आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो इन्होंने आंकड़े दिए थे वो आंकड़े अचीव कर रहे हैं, विच इज बीइंग टेकन वेरी वेरी पॉजिटिवली बाय द स्ट्रीट। मयूरेश यूनाइटेड ब्रूरीज पर जो 2-3 चीज हो रही है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ठीक ठाक बढ़ना चाहिए। दूसरा ये देखें जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5% वैट इंक्रीज करने की एक इच्छा रख रही है, ऑब्वियसली एंड प्राइसेस बढ़ेंगे इसमें, क्या वॉल्यूम पे असर आएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक जो इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है B2B या B2C बिजनेस दोनों में, बिजनेस थ्रू रेस्टोरेंट और अदरवाइज प्राइवेट कंजम्पशन, आई थिंक वो बरकरार रहेगी। और इनपुट कॉस्ट स्टेबल रहे हैं, थोड़ी बढ़ोतरी हमें देखने मिली है ENA और मोलेसिस प्राइसेस में, बट आई थिंक दैट ऑल्सो कैन गेट पास थ्रू एज वी सी मोर स्टेट्स प्रोबेबली हाइकिंग प्राइसेस। तो ये लगता है आई थिंक वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ग्रोथ शायद आ सकती है ये पूरे स्पेस में। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स का मोमेंटम बरकरार।